नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आंवले का सीज़न आ गया है। मार्केट में बहुत इजीली बहुत ढेर सारे आंवले मिल रहे हैं। मैं आज आपको आंवले की खट्टी मीठी लौंजी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवले लिए हैं, अच्छी क्वालिटी के। आप एकदम हरे रंग के आंवले लें और उन्हें करीब 10 मिनट के लिए आप खुले बर्तन में बॉईल कर लें। इन्हें हमें इतना बॉईल करना है कि जब बॉईल करते हुए आप देखेंगे कि इनके बीच में जो इनकी कलियाँ हैं उनमें इस तरह से क्रैक्स आ जाने चाहिए। जब ये बॉईल हो जाएंगे हम इन्हें पानी से निकाल के अलग कर लेंगे। इस तरह से देखिए कलियाँ इसकी निकल जानी चाहिए, तो इन्हें हम अब सेपरेट कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता है, नहीं तो जब इन्हें पकाएंगे तो और ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे। इस तरह से सभी आंवले की कलियाँ हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी कलियों को खोल लिया है, अब बीज अलग कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी खट्टी मीठी लौंजी बनाएंगे। इसके लिए हम गैस पर एक पैन को रख देते हैं। लौंजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन रख दिया है। पैन को गर्म करें, इसमें हम तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, हम जो ये आंवला की खट्टी मीठी लौंजी बना रहे हैं इसे बनाकर आप 1 से 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप तेल ज़्यादा यूज़ करें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर ये कलौंजी डालेंगे। अच्छे से इसे पका लेंगे। जब ये तड़कने लग जाएगा तब हम इसमें आंवले की कलियाँ डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में नमक डालेंगे। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मसालों को पकने देंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवले लिए थे, उसमें मैं करीब 200 ग्राम कसा हुआ गुड़ ले रही हूँ। मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसे इसमें डालें और इसे हम पकने देंगे। फ्लेम को लो पे रखें ताकि गुड़ जले ना। जब ये गुड़ पिघलेगा तो ये अपनी एक चाशनी सी बना लेगा। इसी तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पक रहा है, आंवला अभी अपना पानी छोड़ रहा है और ये हमारी चाशनी पतली हो गई है। तो इसे हम थोड़ा सा और पकने देंगे। और फ्रेंड्स, इसे बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करें और जब मन चाहे तब इसे रोटी चपाती के साथ में या पराठे के साथ में इसे खाएं। बहुत ही अच्छा लगता है। आंवले काफ़ी खट्टे होते हैं लेकिन ये हेल्दी भी होते हैं और गुड़ भी काफ़ी हेल्दी होता है। यदि आपको गुड़ पसंद नहीं तो आप यहाँ पर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से आंवले की लौंजी बनाकर महीने भर स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है, आंवले की जो कलियाँ हैं अच्छे से पक चुकी हैं। आप इन्हें कट करके भी देख सकते हैं, ये इस तरह से इजीली कट हो रही हैं। गैस को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने खट्टे मीठे आंवला की लौंजी बना ली है, जो कि सीज़न में अभी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।